खबर छत्तीसगढ़ की इससे आ रही है। छत्तीसगढ़ का भी सुबह 9 बजे तक का वोटिंग मीटर हम आपको लेकर सामने आ चुके हैं। आपके बता दें, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों पर आज वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में 2 घंटे में 13.24% मतदान हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मतदान अभी तक रायगढ़ में हुआ है, जो 18.5% है। कोरबा लोकसभा के शेरगढ़ में 100% वोटिंग हो रही है और जीतू सिंह अरुण साहब इसी बीच बोलेंगे कि वो इतिहास रचेंगे। ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से ला रहे हैं, जहां का 2 घंटे में अब तक 13.24% मतदान हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मतदान अभी तक रायगढ़ में हुआ है, जो 18.5% है। कोरबा लोकसभा के शेरधान में 100% वोटिंग हो रही है। इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साहब का भी बयान सामने आया है, उन्होंने बोला है कि वो इतिहास रचेंगे इस बार। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से ला रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ की तीसरे चरण की 7 सीटों पर आज बता दें आपको मतदान जारी है। इसमें से एक हाई प्रोफाइल सीट रायपुर भी शामिल है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 2 घंटे में अब तक 13.24% मतदान हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मतदान अभी रायगढ़ में हुआ है, जो 18.5% है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच 9 बजे तक का वोटिंग मीटर हम आपके सामने ला चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 घंटे में कुल अब तक 13.24% मतदान हो चुका है। बता दें, सबसे ज्यादा मतदान अभी तक रायगढ़ में हुआ है, 18.5%। कोरबा लोकसभा के शेरखंड में 100% मतदान हो रहा है और इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साहब का भी बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बोला है कि वो इतिहास रच देंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ में 2 घंटे में 13.24% मतदान हो चुका है और इस बीच सबसे ज्यादा मतदान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ है, जो कि 18.5% है। कोरबा लोकसभा के शेरगान में 100% वोटिंग भी हो रही है। इसी बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अनिल पुसतकर सर भी जुड़ गए हैं। सर, हमें बताइए छत्तीसगढ़ में कैसा माहौल है तीसरे चरण के तहत? देखिए, इस तीसरे चरण में जो है छत्तीसगढ़ की सारी सीटें, आखिरी अंतिम सीटें जो 7 सीटें हैं, दांव पर लगी हुई है और यहाँ मतदान के लिए बड़ा उत्साह देखने में आ रहा है लोगों में। लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर सुबह से लग गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह मौसम भी बड़ा अनुकूल था। ऐसा लगता है मतदाताओं पर, मतदान प्रक्रिया पर मौसम बड़ा मेहरबान था। बादल थे, धूप नहीं थी, गर्मी नहीं थी, तो लोगों ने भी इसका मौके का फायदा उठाया और तत्काल वो निकल आया और पहले 2 घंटे में 13.5% जो वोटिंग हुई है वो बंगाल के बाद दूसरे नंबर की है सबसे ज्यादा। तो देखिए, यहाँ मतदान प्रतिशत घटने का तो कोई बहुत असर दिखता नहीं है, लेकिन उत्साह लोगों में बहुत बड़ा बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ में 1 घंटा मतदान के लिए बढ़ा दिया गया है। 7 बजे से 5 बजे तक की जो मतदान की प्रक्रिया थी उसको 7 से 6 बजे कर दिया गया। शालिनी, यहाँ जो है सभी जो 7 सीटें हैं उनमें से एक कोरबा को छोड़कर सभी भाजपा के पास है और भाजपा इस बार पूरी अपनी सीटों को वापस बचाने के अलावा जैसे कोरबा सीट छीनने के लिए पूरी ताकत लगाए बैठी है। जी सर, ये छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल सीट में इस बार रायपुर में भी मतदान हो रहा है और वहां से ब्रजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय के बीच मुकाबला है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जो है बीजेपी के अपराजय कहा जा सकता है, अपराजय योद्धा है। वो आज तक विधानसभा के लगातार चुनाव जीतते आए हैं। वो जब मध्य प्रदेश अखंड था, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल हुआ करता था, तब पटवा सुंदर तत्कालीन सुंदरलाल पटवाजी की सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से जो है लगातार, जब से तीनों सरकार बनी भाजपा की, रमन सिंह की, उनमें वो मंत्री रहे हैं, अभी भी वो मंत्री हैं, तो वो उनका कद बहुत बड़ा है। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ये रायपुर की सीट है इस पर अब जो बात जीत और हार की हो ही नहीं रही है, इस पर बात हो रही है लीड कितनी रहेगी। पिछली बार यहाँ महापौर जो है, पूर्व महापौर और जो थे सोनी, उनको टिकट दिया गया था, वो 3.5 लाख करीब वोटों से जीते थे। तो इस बार अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, शर्त ये लगाई जा रही है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल सुनील सोनी के वोट का जो प्रति वो था जो जीत का जो अंतर था उससे ज्यादा मतों से जीतेंगे। तो यहाँ रायपुर में देखिए, कांग्रेस ने भी जो है जो प्रत्याशी जो उतारा है वो अभी 4 महीने पहले ही जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें वो रायपुर की जो 4 जो विधानसभा सीट है उसमें से एक रायपुर पश्चिम से वो चुनाव हार चुके हैं लंबे अंतर से। तो ऐसे में कहीं कोई लड़ाई दिखती नहीं है,
तो कहा जा सकता है रायपुर की जो सीट है वो सीधी सीधे भाजपा के पाले में जाते दिख रही है। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि लीड कितनी होगी, जीत का अंतर कितना होगा, और यही हाल कमोबेश जो है बाकी सीटों पर दिख रहा है। यहाँ बीजेपी को जो है 6 सीट उसके साथ में से जो उनके पास थी, और 6 में से 1 जो है सांसद, पूर्व सांसद जो है कहा जा सकता है पूर्व सांसद विजय बघेल, उनको ही बस रिपीट किया गया है दुर्ग सीट से। बाकी सभी जो सांसदों की टिकट जो है पिछले सांसद जो थे चुने गए थे उनकी टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा है। जी सर, आप बताएं हमें कि सुबह मौसम बहुत ही अच्छा रहा है छत्तीसगढ़ में, लोगों को काफी असुविधा नहीं फेस करना पड़ा है वोटिंग के लिए, लेकिन क्या चुनाव आयोग के लिए ये लगातार चुनौतीपूर्ण नहीं होगा कि दिन में जो भीषण गर्मी पड़ेगी उसमें मतदान प्रतिशत को कैसे बनाए रखें? देखिए, चुनाव आयोग के लिए तो ये चुनौतीपूर्ण है ही। यहाँ रायपुर में भी जितने जो स्थानीय अफसर है, नगर निगम कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, इसके अलावा प्रत्याशी भी जो टेलीकॉलिंग कर जो है लोगों से अपील कर रहे हैं। अब जो है इलेक्शन कमीशन के जो आइकॉन है सचिन तेंदुलकर, वो भी यहाँ लोगों को जो है उनका भी टेलीफोन आ रहा है, रिकॉर्डेड कॉल आ रही है कि आप मतदान में आइए। अब वो नेशनल आइकॉन है, महाराष्ट्र में जो है 6% वोट हो रहा है और छत्तीसगढ़ में जिसको पिछड़ा कहते हैं, ये पिछड़ा तो है ही नहीं लेकिन जो कहते हैं तथाकथित पिछड़ा कहते हैं, यहाँ अब वनांचल है, आदिवासी क्षेत्र है, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है यहाँ 13.6% जो मतदान का प्रतिशत है वो बहुत उत्साहजनक है। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ फिर कोई जो है पिछली बार की पहले 2 चरण की तरह यहाँ कोई मतदान में बहुत बड़ी गिरावट तो देखने नहीं मिलेगी। आंशिक गिरावट अगर कहें तो हो सकता है क्योंकि गर्मी तेज है, लेकिन उसके बावजूद सुबह का जो 2-3 घंटे थे वो बहुत अनुकूल थे, मौसम बहुत अच्छा था। अब तेज धूप निकल आई है तो अब मतदान की गति हो सकता है धीमी पड़ जाए, लेकिन फिर भी जो मतदान चुनाव आयोग ने जो है निर्वाचन आयोग ने 1 घंटा समय बढ़ाया है, 5 बजे की जगह 7 से 5 की 7 से 6 किया है, और वो इसलिए कि मतदाताओं को अतिरिक्त समय मिले, शाम को धूप थोड़ा ठंडी हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, दिन थोड़ा ढलने लगे, तो ऐसे समय का ही फायदा उठाकर मतदाता घर से बाहर निकले। इस लिहाज से जो है निर्वाचन आयोग ने 1 घंटा बढ़ाया है और पूरे ही सारी मशीनरियां, चाहे मतदाता को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हो, निर्वाचन आयोग हो या सरकार की जो जितनी मशीनरी है वो सब काम कर रही है। सामाजिक संगठन भी यहाँ पर देखने को मिला है, जैन संगठन भी है जो लोगों को सुबह मतदान केंद्र में नाश्ता उपलब्ध करा रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छा सा माहौल है। कोई ऐसा कोई खास वो दिखता नहीं कि यहाँ पर कोई गिरावट आएगी, अन्य प्रदेशों में जैसे गिरावट दिख रही है वैसे छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही है। कहने को जरूर ये पिछड़ा प्रदेश है लेकिन मतदान के प्रति जागरूकता जो है यहाँ के लोगों में अन्य अगड़े प्रदेशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। जी शालिनी सर, एक आखिरी सवाल कि क्या जो 7 सीटों पे छत्तीसगढ़ की आज चुनाव है उनमें से 1 भी सीट ऐसी है जो नक्सली क्षेत्र है जिसमें? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए जी। सर मैं पूछ रही हूँ कि आज क्या छत्तीसगढ़ में आज 7 सीटों पर मतदान हो रहे हैं तो क्या उनमें से 1 सीट ऐसी है, कोई भी 1 सीट ऐसी है जो नक्सली क्षेत्र से प्रभावित हो सकती है? नहीं, देखिए नक्सल प्रभावित जो घोर नक्सल प्रभावित सीट थी वो बस्तर थी, उसको पहले चरण में जो है मतदान करा लिया गया। उसके बाद जो 3 थी जो आंशिक रूप से प्रभावित थी जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के 4 जिले, महासमुंद के 4, राजनांदगांव लोकसभा सीट के 4 विधानसभा क्षेत्र और जो महासमुंद लोकसभा थी उसके कुछ बूथ मात्र जो है नक्सल प्रभावित थे, तो ये तीनों आंशिक रूप से जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, तो यहाँ पर तो मतदान दूसरे चरण में निपटा लिया। कहा जा सकता है कि 3 और 1 4 सीट जो नक्सल प्रभावित कहीं ना कहीं से नक्सल प्रभावित लोकसभा सीट थी, चारों पे निर्वाचन पहले 2 चरणों में हो गया है और आज की जो 7 सीट है तो शाली जी देखिए ये मैदानी क्षेत्रों की सीट है और यहाँ कहीं नक्सल का कोई प्रभाव नहीं है और मैदानी क्षेत्र होने के अलावा ये शहरी क्षेत्र भी है तो यहाँ पर कोई ऐसा नक्सल प्रभावित कोई भी आज नहीं है। हाँ 1 सीट कांग्रेस के लिए जरूर प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कोरबा से ज्योत्सना महंत चुनाव लड़ रही है, वही सीट कांग्रेस के पास थी इन 7ों में, 6 सीट भाजपा के पास थी और वो कांग्रेस अपनी सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है ज्योत्सना महंत के लिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत अभी और पिछली सरकार में वो
विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे तो, और खुद मध्य प्रदेश अखंड मध्य प्रदेश में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो है ज्योत्ना महंतो चुनाव मैदान में है। लेकिन भाजपा ने दुर्ग की पूर्व महापौर विधायक जो है और राष्ट्रीय स्तर पे जो है भाजपा संगठन में अनेक पदों पर काम कर चुकी सरोज पांडे, फायर ब्रांड जो नेता है सरोज पांडे भाजपा नेत्री, उनको चुनाव में उतारा है। तो एक ही सीट पर जो है जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई कांग्रेस की, बाकी तो सीट हार चुकी है, वो हारी हुई सीट को खोने की कोशिश पाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन भाजपा भी जो है अपनी सभी 6 सीट को रिटेन करने की और 1 सीट एक्स्ट्रा पाने की जो है कोशिश करेगी। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अनिल पुसतकर सर, जिन्होंने हमें तमाम जानकारियां दी छत्तीसगढ़ के बारे में। बता दें आज छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव के 3रे चरण का मतदान हो रहा है, और जैसा कि हमें पता है, सर ने हमें बताया कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में से 6 लगभग भाजपा का जीतना तय है। 1 सीट है कोरबा की, जहां से ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी पड़े, कांग्रेस वहां से जीत सकती है। सिर्फ 1 सीट है कोरबा से, बता दें हम, और कोरबा से सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत में मुकाबला है। सरोज पांडे बीजेपी से हैं, ज्योत्सना महंत कांग्रेस से हैं। बाकी 6 सीटें लगभग भाजपा का जीतना तय है।